नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। 2014 के बाद बीजेपी ने यूपी के हर चुनाव में पूरे राज्य में जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक कमल खिला। लेकिन यूपी की दो सीटें जीतने की बीजेपी की कसर बाकी रह गई, मैनपुरी और रायबरेली। इन दोनों सीटों पर मोदी लहर में भी मुलायम सिंह और सोनिया गांधी ने कब्जा जमाए रखा। तीसरे चरण में अब 7 मई को मैनपुरी में मतदान होने जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार मैनपुरी से डिंपल यादव हार रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैनपुरी ही नहीं, तीसरे चरण की कई सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। मैनपुरी में डिंपल यादव का रोड शो देखिए, पूरा शहर समाजवादी पार्टी के झंडों में रंगा है। डिंपल के साथ मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। उनका स्वागत किया जा रहा है, उनके विजयी होने के नारे लगाए जा रहे हैं। डिंपल यादव के रोड शो में उनके पति और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। तो डिंपल के देवर और आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव भी भाभी का हौसला बढ़ाने पहुंचे। डिंपल यादव कह रही हैं कि मैनपुरी में तो वो खुद नहीं, वहां की जनता चुनाव लड़ रही है। पूरा इलाका उनका परिवार है, तो उनकी जीत तय है। लोगों का साथ और साथ मिल रहा है और मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी थर्ड फेज के जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म करने वाली है। मैं समझती हूँ हमारा यह संघर्ष भी है और साथ में हमारे लिए हम चाहते हैं कि जीत का मार्जिन बढ़े। और लगातार लोगों से संपर्क करा गया है और उनको बातें समझाई गई हैं, उनकी बातें सुनी गई हैं और मैं समझती हूँ इस बार जीत का मार्जिन मैनपुरी से बढ़कर आएगा। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और जो विचारधारा नेताजी द्वारा दी गई है, समानता और संपन्नता, इसको हमें बहुत आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है, जिससे कि हमारे प्रदेश और हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित हो पाए और कहीं ना कहीं लोग खुशहाली के रास्ते पे चल सके। डिंपल यादव भले मैनपुरी को लेकर आश्वस्त हो लेकिन बीजेपी के प्रचार ने उनकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। दो दिन पहले मैनपुरी में हुए सीएम योगी के रोड शो की तस्वीरें देखिए, इसमें उमड़ा अपार जनसमूह कुछ और संकेत दे रहा है। रोड शो के बाद सीएम योगी ने कहा कि मैनपुरी में बीजेपी जीतने वाली है और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मैनपुरी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, दोनों पार्टियां रोड शो और रैलियां कर रही थीं। दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे लेकिन वोटिंग से 48 घंटे पहले मैनपुरी में जो कुछ हुआ उसने प्रशासन और चुनाव आयोग के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति से छेड़छाड़ और अपमान का मुद्दा मैनपुरी ही नहीं पूरे यूपी में गरमा रहा है। मैनपुरी में कुछ लोग इसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। मैनपुरी में जो परसों हुआ बहुत ही दुखद है, हम इस घटना की निंदा करते हैं। महापुरुषों का हमेशा समाजवादी पार्टी ने अपमान किया है और जूते पहन करके चढ़ जाना, भाला को तिरछा कर देना, उसमें सपा का झंडा लगा देना, इस प्रकार की गुंडे रजकता सपा के लोगों के DNA में है। और जब भी वो सत्ता में रहे हैं उत्तर प्रदेश को उन्होंने दंगों की आग में झोंका है, गुंडों को सौंपने का काम किया है, अपहरणकर्ताओं को सौंपने का काम किया है, व्यापारियों से चौथ वसूली जाती थी, प्रदेश के लाइन ऑर्डर को बुरी तरह से सपा की सरकारों में ध्वस्त पाया गया है, बहु बेटियों की सड़क पर निकलना मुश्किल था। आज उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को
सुकून में पाते हैं और समाजवादी पार्टी को तिलांजलि दे चुके हैं। तीसरे चरण की जिन सीटों पर सबसे बड़ा घमासान है उनमें सबसे प्रमुख है मैनपुरी, जहां से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी की तरफ से योगी सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने भी यादव नेता शिवप्रसाद यादव पर दांव लगाया है। ये सीट यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है। 2009 से 2024 तक के मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2009 में मुलायम सिंह यादव जीते, 2014 में भी जीते, लेकिन दो जगह से उन्होंने जब आजमगढ़ सीट अपने पास रखी और मैनपुरी छोड़ी तो यहाँ उपचुनाव में उनके पोते तेज प्रताप यादव जीत गए। 2019 में फिर मुलायम सिंह जीते, उनके निधन के बाद 2022 में उपचुनाव हुए तो इसमें डिंपल यादव जीत गई। यही वजह है कि मैनपुरी को जीतने के लिए दोनों गठबंधनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी ने डिंपल यादव को 2019 में कन्नौज में हराया था, अब पार्टी उन्हें मैनपुरी में हराने का मंसूबा पाल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी 2019 का हिसाब बराबर करना चाहती है। वोटिंग तारीख की आखिरी रात दोनों पार्टियों के लिए कयामत की रात होती है। मैनपुरी की तरह बदायूं में भी जीत हार के जाल बुने जा रहे हैं। बदायूं से एसपी उम्मीदवार आदित्य यादव के पिता शिवपाल यादव का आरोप है कि वोटिंग के ठीक पहले उनके समर्थक 100 से ज्यादा ग्राम प्रधानों को प्रशासन ने बंधक बना लिया है। उनके फोन जमा करा लिए गए हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवपाल यादव ने इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। चुनाव आयोग शिवपाल यादव की शिकायत की पड़ताल कर रहा है। बदायूं लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बदायूं लोकसभा सीट पर आदित्य यादव के खिलाफ बीजेपी ने दुर्विजय शाके को उतारा है, वहीं बीएसपी से मुस्लिम खान किस्मत आजमा रहे हैं। 2009 और 2014 में बदायूं से सांसद बनने वाले धर्मेंद्र यादव 2019 के चुनाव में बीजेपी से हार गए थे। बीजेपी की संघमित्रा मौर्य सांसद चुनी गई थी, लेकिन इस बार दुर्विजय शाके पर भरोसा जताया है। आदित्य यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जिताने के लिए शिवपाल यादव ने बदायूं में दिन रात एक कर रखा है। अब देखना यह है कि आदित्य यादव क्या अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की हार का हिसाब बीजेपी से बराबर कर पाते हैं या नहीं। तीसरे चरण में यूपी की फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर भी चुनाव है। चूड़ियों और कांच के सामान के लिए मशहूर फिरोजाबाद में सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। अक्षय यादव के खिलाफ बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को उतारा है, तो बीएसपी ने चौधरी बशीर पर भरोसा जताया है। 2019 में यादव परिवार में लड़ाई चल रही थी। रामगोपाल यादव से नाराज शिवपाल यादव फिरोजाबाद सीट पर खुद उतर गए थे, जिससे अक्षय यादव चुनाव हार गए थे, जबकि 2014 में इसी सीट से अक्षय सांसद चुने गए थे। रामगोपाल यादव अपने बेटे को जिताने के लिए फिरोजाबाद में डेरा डाले हुए हैं और दिन रात एक किए हुए हैं। तीसरे चरण में वैसे तो 12 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन यूपी के 10 सीटों पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। तीसरे चरण में यूपी की यादव पट्टी कहे जाने वाले सेंट्रल यूपी के 10 जिलों में वोटिंग होनी है। ये जिले हैं आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, एटा, संबल, बरेली, आंवला और बदायूं। देश में दो चरण का मतदान हो चुका है। 190 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 2019 के मुकाबले इन दोनों चरणों में कम मतदान हुआ। उम्मीद है कि तीसरे चरण में भले गर्मी ज्यादा हो, लेकिन दो चरणों के कम मतदान की कमी पूरी हो जाएगी। तीसरे चरण की वोटिंग की हर तस्वीर और उसके मायने हम आपको समझाते रहेंगे। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।